करने लगी हूँ तैयारी कल की व्रत की। तो मैंने पीस लिए काली मिर्च इसमें, और ये रहा हमारा कोटू का दाना, इसको मैं पीस कर अभी आटा बनाऊंगी। और ये बनते कर तैयारी की तैयारी, और ये हमारी बन गई है दाल, और ये मैं पीस कर रेडी हो गई है काली मिर्च। ये होने लग गई है तैयारी कल की शिवरात्रि की। क्या है तड़का और तैयारियां चल रही हैं। ये बन रही है हमारी तहरी, क्योंकि हमें एक टाइम चावल बहुत ज़रूरी रहता है, तो हम बना लिया है तहरी, क्योंकि कुछ साथ में खाने के लिए नहीं है। ये दाल है मूंग की, तो मूंग की दाल से खाएंगे रोटी, और तहरी बनाई हुई है इसे खाएंगे। और तहरी बनने के बाद मिलते हैं आपसे। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं महाशिवरात्रि की, और मैं बना आके पीस रही हूँ इस समय। ये सोबुली आया है बेर पूजा के लिए, और ये रही है बेलपत्री। तो उसके बाद पूजा की तैयारियां में कुछ कमी रह गई है, तो अभी बाद में मंगाती हूँ सामान। खाने में आज सारे व्यंजन है बंटी, बैंगन आलू सब्जी, रायता, सेवई, दाल, चपाती, चटनी है। अभी रह गया है हमारा कुकम्बर, बहुत सारी चीजें हो गई खाने के लिए। रही है क्लीनिंग, और मेरी बन रही है चटनी, मैं बनाऊंगी चटनी। अब ये काम रह गया है, इसमें डाल दिया है। और क्या क्या डालना बंटी? हरा धनिया, काला नमक, सफ़ेद नमक, टमाटर, हरी मिर्च, जीरा और हींग, बस इतनी चीज़ पड़ेगी ना। बस ठीक है, तो हम नींबू डाल दिया। हाँ नींबू भी डाल दिया। नींबू डालने के बाद अब हम इसे चला दे रहे, ठीक है, तब तक तुम काम कर लो, फिर हम इसे चला दे रहे। और खाने की तैयार थाली भी लग गई है, बहुत सारी चीज़ें बनी, और खाना खाने की थाली भी लग गई है। और ये हमारी हो गई है रेडी तहरी और चटनी। अब हम लोग खाएंगे तहरी और चटनी, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं हमारा लंच, तो आप ही आ जाएं। आपका स्वागत है हमारे एएस ब्लॉगर में। और किसी भी रीजन पर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब लोग आ जाएं। और ये आ गए हैं आज गेस्ट आ गए थे, तो फिर आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया। जी आई तुरंत गेस्ट में लग गई, 3 बजे ये लोग आ गए थे। ये है जी के ताई जी और उनके ताई जी के बेटे, ये आए हैं मध्य प्रदेश से मिलने के लिए इनसे। तो ये लोग आकर बैठ गए हैं, तो हम लोग भी यहीं पास में ही बैठे हैं। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, काम करते करते पता ही नहीं चला, और अब ये जाने लगे हैं, तो मैं इन्हें छोड़ने आई हूँ गेट तक। ये शिल्पू गई है थोड़ा सा सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक्स के सामान कुछ लेना था दीदी का, वो लेने के लिए गई है शॉप पर। शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं मार्केट, पता नहीं क्या खरीद रही है। ये नाइट व्यू, हम आ गए हैं माता रानी के भवन, भोले वाली मैया, जिनको मैंने पहले बहुत दिखाया आपको, और अब इनके दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोमवार को आने की मान्यता है, तो हमने बोला आज हम भी दर्शन करके करने जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं। चलो चलते हैं दर्शन करने के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी दर्शन कराएंगे माँ भगवती। खट टाल दियो मैया तेरी आरती, सिंगाड़ी का आटा, ये रही चीटू सी से, और ये रही बंटी। और हम लोग पहुंच रहे हैं अपने घर, क्योंकि सारी तैयारी शुरू कर दी, शिवरात्रि की सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ले लिया है बेर, और भी सामान था वो भी ले आई हूँ, धतूरा और भी जो भगवान पे चढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, जो कुछ भी जो यहाँ पर अरेंज कर पाई हूँ वो सब कुछ ले आई हूँ।
और कल है हमारा महाशिवरात्रि का व्रत। सभी को हैप्पी शिवरात्रि। लोग एंटर कर गए हैं अपने कॉलोनी में और हम लोग एक साथ चल रहे हैं अब घर की तरफ। गए घर और जाने लगे हैं अंदर। आप सब लोग देखिए मेरी दीदी क्या कर रही है। मैं वहाँ की वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि वहाँ मैंने बताया नहीं है। और ये लग गया है हमारा डिनर। डिनर में बना है दही मीठा और चपाती और कटहल। और ये सुबह की सब्जी है बैंगन आलू की, तो हम लोगों ने वो भी ले रखी है। आप सब लोग हमारा साथ डिनर कीजिए और इसी के साथ ब्लॉग करती हूँ एंड। अगर किसी भी रीजन पर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।